होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो जो मेरी है वो है कार्डियो एक्सरसाइजेज के बारे में। कार्डियो एक्सरसाइजेज जो है वो बहुत हेल्प करती हैं आपकी कैलोरीज को बर्न करने में, आपकी फैट को कम करने के लिए। कार्डियो एक्सरसाइजेज क्या होती हैं, जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ता है, जिससे आपकी सांस फूलती है, और इससे क्या होता है कि आपकी काफ़ी सारी कैलोरीज बर्न होती हैं, आपकी फैट कम होती है। अक्सर लोगों के मुझे कॉमेंट्स आते हैं कि वो जिम वगैरह नहीं जा सकते या घर पर उनके पास ट्रेडमिल वगैरह नहीं है, तो वो कौन सी कार्डियो एक्सरसाइजेज करें। तो वही मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, कुछ फ्यू वेरी सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी जिनको करने से आप अपनी काफी सारी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है वार्म अप करना। उसके लिए आपने क्या करना है, रनिंग ऑन द स्पॉट यानी कि एक ही जगह पे खड़े होकर आपने भागना है 3 to 5 minutes के लिए। सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज करेंगे इसको जंपिंग जैक्स कहते हैं। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी हार्ट रेट को अप करने के लिए, और इस एक्सरसाइज को आपने 25 से 30 बार करना है, और फिर आपने 20 सेकंड की ब्रेक लेनी है, और फिर से आपने 25 से 30 बार करना है, यानी कि आपने इसके 2 sets करने हैं। इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करेंगे इसको हाई नीज कहते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि अपने हाथों को अपने वेस्ट के बराबर बाहर निकालना है, और आपने कोशिश करनी है कि आपके नीज जो है आपके हाथों को टच करें। इस तरह से आपने 40 सेकंड्स के लिए करना है, और फिर आपने 20 सेकंड की ब्रेक लेनी है, और फिर से आपने 40 सेकंड के लिए करना है, यानी कि इसके भी आपने 2 sets करने हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की, तो आप अपने नीज को बेशक बहुत ज़्यादा ऊपर मत करें, आप थोड़ा नीचे भी रहने दे सकते हैं और अपनी स्पीड को भी स्लो कर सकते हैं, और ये भी एक बहुत अच्छी कार्डियो एक्सरसाइज है। तीसरी जो हम एक्सरसाइज करेंगे इसको माउंटेन क्लाइंबर कहते हैं। ये एक बहुत अच्छी कार्डियो एक्सरसाइज है, प्लस ये आपके कोर के लिए भी बहुत अच्छी है। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने प्लैंक पोजीशन में जाना है, और फिर आपने प्रिटेंड करना है कि आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, और इस तरह से आपने 40 सेकंड्स के लिए करना है, फिर से आपने 20 सेकंड की ब्रेक लेनी है, और फिर से आपने 40 सेकंड करना है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की, तो आप थोड़ा स्लोली भी कर सकते हैं, अपने टाइम को भी कम रख सकते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा यूज्ड टू हो जाएं तो थोड़ा फास्ट करें, और फिर उसके बाद टाइम भी आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करेंगे इसको बर्पीस कहते हैं। एक बहुत अच्छी कार्डियो एक्सरसाइज है, इसके साथ साथ ये आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी की फैट को कम करने में बहुत हेल्प करेगी। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जंप करना है, और फिर अपनी हाथों की मदद से नीचे आना है, और फिर अपने अपनी टांगों को इन एंड आउट करना है, और फिर हाथों की मदद से वापस खड़े होना है, और फिर से इस तरह से ही करना है। इसको आपने तकरीबन 10 बार करना है, और फिर आपने 20 सेकंड की ब्रेक लेनी है, और फिर से आपने 10 times करना है, यानी कि इसके भी आपने 2 sets करने हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की, तो आप क्या कर सकते हैं कि जंप करके अपनी हाथों की मदद से नीचे की तरफ आएं, और अपने टांगों को इन और आउट नहीं करें, लेकिन वापस अपने हाथों की मदद से खड़े हो जाएं, और इस तरह से आप 10 times करें, और जब आप यूज्ड टू हो जाएं तो फिर वापस आप नॉर्मल पर्पस कर सकते हैं। तो आपने मेरी एक्सरसाइज देखी, आप कोशिश करें इन एक्सरसाइज को हफ्ते में कम से कम 3 बार तो ज़रूर करें। इसके अलावा मैंने और भी एक्सरसाइज की वीडियो बनाई हुई है, जैसे कि टमी फैट, थाई फैट और आर्म फैट के बारे में। मैं उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उनको भी अपनी रूटीन में शामिल करने की कोशिश करें। इसके अलावा वेट को कम करने के लिए हेल्थी डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियोज बनाई हैं, लेकिन उनमें से मैं कुछ यूजफुल वीडियोज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उनको देखिएगा और उनको फॉलो कीजिएगा, ताकि आप जल्द से जल्द हेल्थी तरह से अपने वेट को कम कर सकें। फिलहाल अभी के लिए आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अभी के लिए खुदा हाफिज़।